बात दिल्ली की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सिक्स फ्लैग रोड वाला बंगला खाली कर दिया है, जो मुख्यमंत्री आवास था उसे छोड़ दिया, खाली कर दिया। लेकिन इस मामले पर विवाद थम नहीं रहा है, विवाद अभी भी जारी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने रविवार को सामान की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के जरिए जिन सामानों का जिक्र किया गया है उसके बाद बीजेपी हमलावर है, क्यों ये समझिए। बंगला नहीं लूंगा, अब बंगला नहीं लूंगा से बंगले की क्या हालत है, किस प्रकार का वो बंगला तो नहीं कह सकते हैं। 4 करोड़ से 5.6 करोड़ तक के पर्दे, बॉडी सेंसर और उसके बाद उसमें रिमोट कंट्रोल, मोटर एंड ट्रैक, ये रिसर्च होगा इसके ऊपर पूरा क्या होता, पर्दा कैसा है ये देखना है एक बार। ओलेड टीवी सोनी की, अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K वॉइस कंट्रोल टीवी, मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल। मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप। ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर के लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो पार्टी विद चेंज का नारा देने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के इस ऐशो आराम वाले मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। बहरहाल इस मामले पर आम आदमी पार्टी का भी स्टेटमेंट सामने आया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, हम दिल्ली वालों की सेवा करने आए हैं, अगर बीजेपी की केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री को नहीं देना है तो वो उन्हें मुबारक है। हम दिल्ली वालों के लिए सड़क पर रहकर भी काम कर लेंगे, हम जनता के दिलों में बसते हैं, तो भाजपा चाहे कितनी भी गंदी राजनीति करे वो हमें रोक नहीं पाएंगे। हालांकि इसमें उसका जवाब नहीं है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इतने ऐशो आराम वाले सामानों की जरूरत क्या थी। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल इसी महीने की शुरुआत में बंगला अपना खाली कर दिया था। अब जब पीडब्ल्यूडी ने लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड, ये मुख्यमंत्री के बंगले का एड्रेस है, इस बंगले में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे थे। यानी आप रिमोट से ही पर्दा ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इस तरह का सेंसर उसमें था। कुल 80 पर्दे ऐसे थे। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में क्या क्या बताया गया है, क्या सुविधाएं थी मुख्यमंत्री साहब के पास, अरविंद केजरीवाल के पास, ये हम आपको अब बताने वाले हैं। ये अब समझिए क्या क्या सामान था और क्या क्या सुविधा मुख्यमंत्री साहब ले रहे थे। सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे, अब सोचिए पर्दा तो हाथ से हटाया जा सकता है लेकिन मुख्यमंत्री साहब के बंगले में उसके लिए बाकायदा रिमोट भी था और सेंसर भी था। कितने थे पर्दे, ऐसे 80 पर्दे थे जिनकी कीमत 4 से 5.5 करोड़ तक आंकी गई। सोचिए 5 करोड़ ही मान लीजिए एवरेज इसका, 5 करोड़ के पर्दे थे मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल जहां रह रहे थे। इसके अलावा रिक्लाइनर सोफा 8 थे जिनकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। फ्री स्टैंडिंग लैंप डेकोरेशन के लिए 4 थे जिनकी कीमत 9 लाख बताई गई है। स्मार्ट डाउनलाइट जो है वो भी 3 थी, 19 लाख की ये लाइट्स की ये कीमत है। और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किचन का सामान क्या था मुख्यमंत्री साहब के यहाँ। मल्टी डोर फ्रिज थे 2 जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी। स्टीम ओवन था 9 लाख रुपए का। माइक्रोवेव थे 2 3 लाख रुपए के। यानी कोई सामान जो है वो आम आदमी टाइप का फील दे नहीं रहा है। अब आते हैं बाथरूम में सामान। 450 लीटर का गीजर था, इतनी तो टंकी ना हो कई घरों में, खैर गीजर 3 यूनिट 22.5 लाख रुपए की। वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। यानी शावर से लेकर टोंटी जिसको कहते हैं उस तरह की जो फिटिंग्स थी ना उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, कीमत ध्यान दीजिए। वॉशिंग मशीन एक थी, चलिए ये कही जा सकती है बाकी चीज़ों के हिसाब से सस्ती है थोड़ी, 2 लाख की है बस। एसएस रेलिंग स्टेयर केस कवरिंग भी 1 करोड़ से ज़्यादा की है, जो सीढ़ियों को लेकर आप रेलिंग्स देखते हैं। आउटडोर लाइट्स थी 20, उनकी कीमत है 10 लाख रुपए। वुडन डोर ग्लास डोर की कीमत है 70 लाख रुपए। कितनी थी इसकी संख्या पीडब्ल्यूडी ने नहीं बताई है। आर्टिफिशियल पिलर्स थे जिनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया था। बाकायदा पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाई गई है मुख्यमंत्री आवास की, तो उसकी कीमत भी 36 लाख रुपए थी, एक की कीमत 1.5 लाख रुपए 24 यूनिट्स की। और ये सारा सामान जो है साजो सामान वो कथित तौर पर आम आदमी पार्टी पार्टी विद चेंज का नारा जो लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, उनके आवास में उनकी सुख सुविधा सहूलियत के लिए थी।
अलग अलग तरह के सोफे थे, मसाज वाली चेयर थी, सेंसर वाला रिमोट वाला पर्दा था, ये तमाम चीजें उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री साहब ने इतनी चीजों का इस्तेमाल किया, उसकी जांच होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में 10 से 12 लाख रुपए की कीमत वाली टॉयलेट सीट का भी जिक्र है।